सन 1896 में स्वामी विवेकानंद जी ने लंदन के एक भाषण में दृढ़ता पूर्वक घोषणा की थी कि आज विश्व को 20 ऐसे नर नारियों की आवश्यकता है जिनमें यह कहने का साहस हो कि मात्र ईश्वर ही हमारी संपदा है। श्री शारदा मठ की प्रथम अध्यक्षा प्रवराजिका भारती प्राणा माता जी ने स्वामी जी के इसी आदर्श को अपने जीवन में प्रत्यक्ष दर्शाया था। उनका जन्म सन 1894 में कलकत्ते के निकटवर्ती गुप्तीपाड़ा नामक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह शुभ दिवस था उल्टा रथ यानी भगवान जगन्नाथ जी के रथ प्रत्यागमन महोत्सव का शुभ दिन। माता पिता ने इस सुलक्षणा कन्या का नाम पारुल रखा। पारुल के माता पिता पवित्र तथा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी माँ सुशीला देवी शांत सहिष्णु स्वभाव की थी। ईश्वर व साधु महात्माओं के प्रति सहज सुलभ भक्ति भावना उनके सात्विक गुणों को दर्शाती। उनके पारुल से छोटे 3 पुत्र व 3 पुत्रियां थीं। उनमें से 2 पुत्रों की अकाल मृत्यु तथा पारुल के भी बीमार होने के कारण पारुल के पिता अपना गांव छोड़कर सपरिवार कलकत्ते में आकर रहने लगे। कलकत्ते में इनका घर श्री श्री माँ के बाग बाजार स्थित निवास स्थान के समीप था। श्री रामकृष्ण देव के शिष्य बलराम बसु और गिरीश चंद्र घोष भी नजदीक ही रहते थे। इनके घर के सामने वाली गली से बेलुड़ मठ के साधुगण प्रायः आवागमन करते। पारुल अपनी सहेलियों के साथ यहीं पर खेला करती थी और इन साधुओं को देखते ही सहेलियों के साथ हर्षोल्लास से ऊंचे स्वर में कहती, परमहंस की फौज चली है, पैंक पैंक पैंक। परवर्ती काल में माताजी इस प्रसंग का उल्लेख कर मुस्कुराते हुए कहती, अरे मुझे क्या पता था कि एक दिन मैं भी इस फौज की ही सदस्य बनूंगी। सन 1902 से पारुल भगिनी निवेदिता विद्यालय में अध्ययन करने लगी। पारुल को भगिनी निवेदिता के साथ स्वामी जी से मिलने के सुअवसर भी प्राप्त हुए। परवर्ती काल में उन प्रसंगों का स्मरण करते हुए वे कहती थी, मैं उस समय छोटी थी, स्वामी जी के विषय में मुझे ठीक से स्मरण नहीं है। मुझे स्मरण है केवल उनका आकर्षक व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर तथा सुंदर बड़े नेत्र युगल। स्वामी शारदानंद जी वहाँ नियमित रूप से वयस्क छात्राओं के लिए श्रीमद् भगवद गीता पर प्रवचन करते थे। इस समय छोटी छोटी बालिकाएं विद्यालय के प्रांगण में खेलती या फिर वहीं पर सो जाती। प्रवचन के बाद भगिनी निवेदिता उन सबको उनके निवास स्थान पर पहुंचा देती। पारुल जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने में अधिक आनंद अनुभव करने लगी थी। 10-11 वर्ष की आयु में एक बार वे अपने माता पिता के साथ गुप्तीपाड़ा गई। एक दिन वहाँ उन्होंने एक देवी प्रतिमा बनाकर अपनी माँ से कहा, आप कृपया किसी पंडित जी को बुलवा कर इस देवी मूर्ति की विधिवत पूजा करवाइए। यह माँ जगत धात्री की प्रतिमा है। माँ ने उसे सावधान करते हुए कहा, बेटी किसी देवी प्रतिमा के साथ इस प्रकार खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। परंतु पारुल तो किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं थी। अंततः एक पंडित जी को बुलाया गया। आश्चर्य की बात यह कि पंडित जी भी इस देवी प्रतिमा की पूजा करने के लिए सम्मत हुए और इस प्रकार जगत धात्री माँ की विधिवत पूजा संपन्न हुई। गुप्तीपाड़ा के इस स्थान को तब से बालकेश्वरी तला नाम से जाना जाने लगा। सन 1902 से 1909 के काल में पारुल को भगिनी निवेदिता के साथ श्री श्री माँ के दर्शन का भी सुअवसर प्राप्त हुआ था। तत्कालीन प्रथानुसार 12 वर्ष की उम्र में पारुल का विवाह कर दिया गया। पारिवारिक जीवन में उन्हें तनिक भी रुचि नहीं थी। मननशीलता ही उनके जीवन का प्रमुख अंग था। इधर उनके माता पिता पारुल को ससुराल भेजने की तैयारी में लग गए। पारुल इन सबसे परेशान हो गई थी। अगत्या पारुल को घर से पलायन करना ही पड़ा। परंतु किसी प्रकार घर वालों ने उन्हें ढूंढ निकाला और उनकी इच्छा के विरुद्ध वे उन्हें घर वापस ले आए।
प्रकृत साधक के लिए त्याग उतना ही आवश्यक होता है जितना कि जीवन के लिए वायु तथा मछली के लिए पानी। अंत में सुधीरा दीदी तथा गणेन महाराज की सहायता से पारुल एक मध्य रात्रि को हमेशा के लिए घर छोड़ पलायन करने में सफल हो गई। इस प्रकार मात्र 17 वर्ष की आयु में पारुल ने ईश्वर के अन्वेषण में अपना घर हमेशा के लिए त्याग दिया। इस घटना से उनके घर में बड़ी हलचल मच गई। घर वालों का संदेह सुधीरा दीदी पर ही था, परंतु सुधीरा दीदी ने कुछ ऐसा जताया कि उन्हें इस विषय में तनिक भी जानकारी नहीं है। काफी दिन के असफल प्रयासों के बाद घर वालों ने एक प्रसिद्ध ज्योतिष की सलाह ली। ज्योतिष ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, आपकी सुपुत्री कुछ भले लोगों के आश्रय में सुरक्षित है। ज्योतिष के इन वचनों से घर वाले काफी हद तक आश्वस्त हो गए। सुधीरा दीदी ने पारुल को नामांतरण कर उसका नाम सरला रख दिया तथा समय समय पर स्थानांतर कर छिपे रहने में उसकी सहायता की। सरला जहाँ भी रहती वहाँ के दैनंदिन कार्यों में हाथ बटाती थी, जिस कारण सभी उन्हें प्यार करते थे। एक दिन सुधीरा दीदी उन्हें श्री श्री माँ के दर्शन करने के लिए ले गईं तथा उसी समय उन्होंने सरला के दीक्षा की सारी व्यवस्था कर दी। सन 1911 में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उनकी दीक्षा संपन्न हुई। यह सरला के जीवन का सबसे पवित्र दिवस था। सुधीरा दीदी के साथ सरला श्री श्री माँ के दर्शन के लिए दिन में और कभी कभी रात में भी जाया करती थी। सरला के प्रति श्री श्री माँ का प्रेम दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। उनकी कुशलता के लिए वे अब चिंतित रहा करती थी। 13 अक्टूबर 1911 के दिन भगिनी निवेदिता का देहांत हो गया। इस घटना से सुधीरा दीदी के मन पर बड़ा गहरा आघात हुआ। वे अस्वस्थ हो गई। स्वास्थ्य लाभ के लिए सुधीरा दीदी सरला तथा अन्य दो महिला भक्तों को साथ लेकर गया एवं वाराणसी के लिए रवाना हो गई। इस समय वे गंगा तट पर निरंतर जप ध्यान में निमग्न रहती। तत्पश्चात वे सब वृंदावन आई और फिर एक नवीन उत्साह के साथ वहां तपस्या में डूब गईं। वृंदावन में कठोर तपस्या तथा कष्टमय जीवन यापन करने के फलस्वरूप सुधीरा दीदी का स्वास्थ्य और भी खराब हो गया। अगत्या स्वास्थ्य लाभ करने के लिए उन्हें शिमला जाना पड़ा। शिमला जाने से पूर्व सुधीरा दीदी सरला से बोली, यह निश्चित रूप से जानना कि एकमात्र श्री रामकृष्ण ही तुम्हारे अपने हैं। तुम उन्हें हृदय में धारण कर अदम्य उत्साह के साथ निरंतर प्रार्थना करती रहो। वे सदैव तुम्हारे साथ हैं तथा तुम्हें देख रहे हैं। उन्हें छोड़ किसी से कभी सहायता की अपेक्षा न रखना। सरला का यह जीवन काल एक परिव्राजक सन्यासी के सदृश था। ईश्वर पर संपूर्ण निर्भरता, आहार के लिए जो भी प्राप्त हो जाए उसे संतोषपूर्वक ग्रहण करना तथा जहाँ भी रहने के लिए स्थान मिल जाए वहीं पर निवास करना। इस तरह के तपोमय पवित्र जीवन यापन के फलस्वरूप ईश्वर पर उनका विश्वास और भी अधिक दृढ़ हो गया तथा उनकी आंतरिक शक्ति भी क्रमशः बढ़ती गई। वृंदावन में सरला गोपी दीदी के साथ रहने लगी। उन्होंने अपने मासिक व्यय को भी पर्याप्त रूप से कम कर दिया था। घर का किराया 4 आने, पारस प्रसाद 3 रुपए तथा गुड़ और तेल आदि के लिए थोड़े पैसे। पारस प्रसाद गोविंद जी के मंदिर से मध्याह्न भोजन के समय उपलब्ध हो जाता। प्रसाद में दाल, चावल, रोटी व एक सब्जी रहती थी। रात्रि भोजन के लिए सरला उसी प्रसाद का एक अंश बचाकर रख दिया करती। एकादशी के दिन पारस प्रसाद उपलब्ध नहीं होता। उस दिन सरला 2 दिन से रखी हुई सूखी रोटियां
मट्ठे में भिगोकर नरम करके सेवन किया करती थी। वृंदावन में सरला की दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी। प्रातःकाल मंदिर दर्शन, श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ तथा प्रतिदिन नियमित रूप से 1,00,000 बार जप करना। परवर्ती काल में वह कहती थी, उस छोटे से कमरे में मैं निरंतर ईश्वर का नामस्मरण करती रहती। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विषय चिंतन मन में आता ही नहीं। वृंदावन में ऐसी कठोर दिनचर्या निरंतर 5 महीने तक चलती रही। इस काल में वे सदैव अति आनंद में रहा करती थी, परंतु स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण अब सरला को कलकत्ता वापस लौटना पड़ा। एक दिन जब वे श्री श्री माँ के दर्शन के लिए उद्बोधन गई, तो माँ ने पूछा, बेटी तुम इन दिनों कहाँ रहती हो? इस प्रकार तुम कब तक यहाँ वहाँ भटकती रहोगी? अब से तुम मेरे निकट ही रहो। इस प्रकार सरला नवंबर 1913 से बड़े आनंद के साथ श्री श्री माँ के निवास स्थल पर रहने लगी। श्री श्री माँ ने स्वयं ही सरला की देखभाल का भार ले लिया है। यह समाचार पाकर सुधीरा दीदी अत्यंत प्रसन्न हुई। फरवरी 1914 में सुधीरा दीदी ने सरला के डफरीन अस्पताल में नर्सिंग प्रशिक्षण की सारी व्यवस्था कर दी। गोलाप माँ रूढ़ीवादी थी। यह सुनते ही वे अत्यंत नाराज हो गई तथा बोली, यह कैसी बात हुई? अब उसके हाथ का बना भोजन भला कौन खाएगा? श्री श्री माँ ने अत्यंत शांत भाव से कहा, मुझे तो इसमें कोई गलती नहीं दिखाई देती। सरला प्रशिक्षण के उपरांत वापस आकर हम सभी की ही तो सेवा करेंगी। श्री श्री माँ ने सरला को आशीर्वाद देकर एक कंबल उपहार में देते हुए कहा, बेटी तुम तनिक भी घबराना मत। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद सरला वापस निवेदिता विद्यालय में आ गई। जब जब श्री श्री माँ उद्बोधन के निवास स्थान पर रहने के लिए आती, तब तब सरला नियमित रूप से श्री श्री माँ के दर्शन करने के लिए वहाँ जाया करती। सन 1918 में श्री श्री माँ जयराम पाटिल में अत्यंत अस्वस्थ हो गई। स्वामी शारदानंद जी ने तय किया कि वे कुछ डॉक्टरों को लेकर वहाँ जाएंगे। उन्होंने सुधीरा दीदी को पत्र में लिखा कि श्री श्री माँ की देखभाल के लिए सरला को मेरे साथ चलना होगा, और रात वाली एक गाड़ी से स्वामी शारदानंद जी अपने साथ योगिन माँ, गोलक माँ, 2 ब्रह्मचारी, 2 डॉक्टर तथा सरला को लेकर जयराम माटी के लिए रवाना हुए। श्री श्री माँ के स्वास्थ्य में कुछ सुधार होने के पश्चात स्वामी शारदानंद जी सरला को छोड़ अन्य सभी के साथ कलकत्ता लौट आए। सरला श्री श्री माँ की सेवा के लिए जयराम बाटी ही रुक गई। एक दिन जयराम बाटी में सरला ने एक आश्चर्यजनक घटना प्रत्यक्ष की थी। एक दिन अप्रत्याशित रूप से कुछ भक्तों की टोली मध्याह्न भोजन के समय श्री श्री माँ के निवास स्थल पर आ पहुंची। सब चिंतित हुए कि इतने सारे भक्तों के भोजन की व्यवस्था किस प्रकार संभव होगी, परंतु श्री श्री माँ तनिक भी विचलित न हुई। वे अत्यंत शांत भाव से रसोई घर में गईं, सभी पदार्थों को कलछुल से हिलाकर नमक आदि डालकर वापस चली आईं। अब जब भोजन परोसा गया तो सभी प्रसाद ग्रहण कर तृप्त हो गए। सारी चीजें पर्याप्त थी। सरला को दृढ़ विश्वास हो गया कि निस्संदेह श्री श्री माँ देवी अन्नपूर्णा ही हैं, जो सारे विश्व को अन्न प्रदान करती हैं। श्री श्री माँ से सरला का संबंध कुछ विशेष तथा अद्वितीय था। एक बार सरला माँ के साथ घोड़ा गाड़ी से कहीं जा रही थी। निकट बैठी हुई एक महिला सहयात्री ने माँ से पूछा, यह लड़की कौन है? श्री श्री माँ ने कहा, यह मेरी सबसे प्यारी छोटी बेटी है। प्रसन्ना जगन्मयी ददौ तस्य ज्ञान भक्ति प्रज्ञा विवेक
श्री श्री माँ का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। इस कारण सन 1920 के प्रारंभ में ही स्वामी शारदानंद जी माँ को उद्बोधन में ले आए। सरला समझ गई थी कि माँ ने अपने मन को संसार से अलग कर लिया है और शीघ्र ही उनकी यह लीला समाप्त होने वाली है। एक दिन माँ की अवस्था देख सरला रोने लगी और उनसे बोली, माँ यदि आप हम सबको छोड़कर चली गईं, तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। इस पर माँ ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। वे बोली, बेटी अंततः तो तुम मेरे पास ही आने वाली हो, परंतु इससे पहले तुम्हें मेरे कुछ काम करने पड़ेंगे। सरला यानी हम सबकी परम पूजनीय भारती प्राणा माता जी के जीवन को देखते हुए निस्संदेह कहा जा सकता है कि श्री श्री माँ की वाणी अक्षरशः सत्य हुई। 20 जुलाई 1920 को श्री श्री माँ महासमाधि में लीन हो गई। श्री श्री माँ के जीवन के अंतिम मुहूर्त तक सरला उनके निकट ही थी। अंत्येष्टि क्रिया के लिए श्री श्री माँ का पार्थिव शरीर बेलूर ले जाया जा रहा था। सरला वहाँ जाने के लिए इच्छुक नहीं थी, पर सुधीरा दीदी उन्हें अपने साथ ले गई। वहाँ से लौटने के बाद सरला योगिन माँ से बोली, अच्छा ही हुआ जो मैं वहाँ गई। वहाँ मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैंने स्वयं को श्री श्री माँ के श्री चरणों में समर्पित कर दिया हो। चित्ताग्नि प्रज्वलित होने के पश्चात मैंने मानसिक रूप से स्वयं को उसमें उत्सर्ग कर दिया। इस दुखद घटना के बाद सरला अपने जीवन में शून्यता का अनुभव कर रही थी। इन दिनों वे उद्बोधन भी नहीं जाती थी। तब सुधीरा दीदी कुछ भक्त महिलाओं के साथ सरला को भी अपने साथ तीर्थ यात्रा पर ले गई। इन्होंने काशी, हरिद्वार, वृंदावन, आगरा, प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा की। इसके पश्चात जब सभी काशी को ट्रेन से लौट रहे थे, तब अचानक सुधीरा दीदी मध्य रात्रि में चलते समय अपना संतुलन खो बैठी और ट्रेन का दरवाजा खुला रहने के कारण वे चलती हुई ट्रेन से बाहर गिर गई। स्वामी शारदानंद जी को जब इस दुखद घटना से अवगत कराया गया तो वे बोले, सुधीरा को अपने इष्ट देव के अप्रत्याशित दर्शन होने के कारण वह स्वयं को संभाल न सकी तथा संतुलन खो बैठी। सन 1921 में स्वामी शारदानंद जी के निर्देशानुसार सरला कर्म हेतु कुमिल्ला स्थित एक विद्यालय में गई। वहां पर विद्यालय में उन्होंने कुछ दिन काम किया। वहां से वे छुट्टियों में उद्बोधन निवेदिता स्कूल चली आया करती थी। जयराम बाटी में श्री श्री माँ के नए मंदिर का उद्घाटन 19 अप्रैल 1923 को अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर निश्चित किया गया। स्वामी शारदानंद जी ने इस अवसर पर प्रस्तुति कार्यों में हाथ बटाने के लिए कुछ दिन पहले ही सरला को वहां आने के लिए कहा। सरला उस वक्त जयराम बाटी कुछ अधिक दिनों तक रही थी। इधर योगिन माँ अस्वस्थ होने के कारण उनकी सेवा शुश्रूषा हेतु स्वामी शारदानंद जी ने सरला को पुनः उद्बोधन वापस आने को कहा। सरला ने योगिन माँ की एक वर्ष तक सेवा की। एक दिन वे रोते रोते योगिन माँ से बोली, माँ हमें छोड़कर चली गई, सुधीरा दीदी भी नहीं रही, मुझे अब जीवित रहने की इच्छा ही नहीं है, मैं भी अब शरीर त्याग देना चाहती हूँ। इस बात पर योगिन माँ गुस्सा होकर बोली, ये तुम क्या कह रही हो, पहले ईश्वर को प्राप्त करो, उसके बाद तुम जा सकती हो। मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें अपने इष्ट देव के दर्शन हो। इसी वर्ष अप्रैल महीने में पूर्णिमा की रात को चंद्र ग्रहण था। योगिन माँ ने इस अवसर पर सरला को पुरस्करण करने को कहा। तदनुसार उस दिन सुबह से सरला व्रत पालन करते हुए गंगा तट पर निरंतर जप ध्यान में निमग्न रही। वहां से प्रत्यावर्तन के पश्चात स्वामी शारदानंद जी ने सरला से जप संख्या के विषय में पूछा और जप संख्या में और भी वृद्धि करने के लिए कहा। अगले दिन प्रातः काल स्वामी शारदानंद जी ने होम संपन्न किया तथा सरला को होमाग्नि में आहुति देने के लिए कहा। इस अवसर पर उन्होंने सरला को तांत्रिक मत से संन्यास दीक्षा तथा श्री भारती यह संन्यास नाम देकर गेरुआ वस्त्र प्रदान किया। उन्होंने सरला से कहा, अभी कुछ दिन श्वेत वस्त्र ही परिधान करो,
बाद में योगी समय आने पर गेरुआ वस्त्र धारण करना। योगिन माँ भी अब बहुत आनंदित थी, कारण सरला को शारदानंद जी से ही संन्यास मिले, यह उनकी इच्छा आज पूर्ण हुई थी। इसी वर्ष जून महीने में योगिन माँ का देहांत हुआ। इधर गोलक माँ का स्वास्थ्य भी ठीक न था, अतः उनकी देखभाल के लिए सरला उद्बोधन में ही रह गई। 6 महीने के पश्चात दिसंबर में गोलक माँ का भी देहावसन हो गया। इसके बाद सन 1925 में स्वामी शारदानंद जी, सरला, स्वामी निखिलानंद, सन्याल महाशय तथा 2-3 भक्तों को साथ लेकर काशी के लिए रवाना हुए। फिर जगन्नाथपुरी व भुवनेश्वर की तीर्थ यात्रा सम्पन्न कर ये सभी लोग वापस कलकत्ता लौटे। इन्हीं दिनों एक बार सरला बेलूर मठ गई थी। उस समय स्वामी शिवानंद जी महाराज मठ के अध्यक्ष थे। सरला ने जब उन्हें प्रणाम निवेदन किया तो महापुरुष महाराज जी बोले, सरला तुम मुझे अपने दोनों हाथ दे दो। वे समझ नहीं पाई कि परम पूज्य महाराज जी के कहने का तात्पर्य क्या है। अगत्या उनके पूछने पर महापुरुष महाराज जी ने कहा, तुम्हारे इन दोनों हाथों ने महाशक्ति की सेवा की है, मैं इन्हें सुनहरे फ्रेम में जड़वा कर रखूंगा। सन 1926 में बेलूर मठ में रामकृष्ण मठ व मिशन का सर्वप्रथम अधिवेशन हुआ। स्वामी शारदानंद जी अक्सर ही अधिवेशन संबंधित कार्यों के लिए बेलूर मठ आया करते थे। एक दिन उन्होंने सरला को बुलाकर कहा था, यहाँ का कार्य समाप्त होते ही मैं वाराणसी प्रस्थान करूँगा और तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। तुम तैयार रहना और कोई भी अधिक जिम्मेदारी वाला कार्य मत स्वीकारना। 6 अगस्त 1927 में स्वामी शारदानंद जी पक्षाघात से आक्रांत हो गए। प्रायः 13 दिनों तक वे इसी परिस्थिति में थे। अंततः 19 अगस्त की रात 1:30 बजे उन्होंने अपनी जीवन यात्रा समाप्त की। वे महासमाधि में लीन हुए। एक बार सरला देवी की सह साधिका श्रीमती उषा रानी देवी ने उनसे पूछा, आप इतने दुख दर्द कैसे सहन कर लेती हैं? सरला ने जवाब में कहा, कभी कभी मैं अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव करती हूँ। जीवन भर मैं अनेक अनुभवों से गुजरी हूँ। जिस दृढ़ संकल्प के साथ अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैंने सर्वस्व त्याग दिया, वही संकल्प आज तक मेरे जीवन का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। जिस दिन स्वामी शारदानंद जी ने देह त्याग दिया, उसी दिन स्वामी शिवानंद जी ने नींद में सुना स्वामी शारदानंद जी उन्हें कह रहे हैं कि ये सारे लोग अब पीछे छूट गए, अब मैं वाराणसी में विश्वनाथ जी के पास जा रहा हूँ। सरला ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा कि स्वामी शारदानंद जी अवश्य ही वाराणसी गए होंगे। जीवित काल में उन्होंने कहा था कि वे सरला को वाराणसी साथ ले जाएंगे, इसी कारण अब सरला ने वाराणसी जाने का निश्चय किया। सरदार संग संदीप्त ज्ञान वैराग्य पावका तपश्चरण शीला सा काशी धाम निवासिनी, काशी धाम निवासिनी। स्वामी शारदानंद जी के देहावसन के पश्चात सरला काशी में दीर्घ 27 वर्षों तक कठोर तपस्या में निमग्न रही। स्वामी शारदानंद जी सरला को प्रायः नरसिंह सेवा के लिए गृही भक्तों के घर भेजा करते। भक्तगण इस सेवा कार्य के लिए शारदानंद जी को कुछ धनराशि देते थे। श्री श्री माँ के निर्देशानुसार वे इस धनराशि को अलग से रख दिया करते। सरला इस संबंध में न तो कुछ जानती थी और न ही उन्हें जानने की कोई उत्सुकता थी। सरला ने काशी में अत्यंत सादगी भरा तपोमय जीवन बिताया। इस सुदीर्घ काशी अवस्थान काल में यही संचित धनराशि उनके लिए उपयोगी सिद्ध हुई। बेलूर मठ के प्रवीण साधुगण उनके संपर्क में निरंतर रहते और पत्र आदि आदान प्रदान के माध्यम से उनकी आध्यात्मिक प्रगति के बारे में अवगत थे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम
नारायण प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सरला को काशी में स्वामी शिवानंद जी का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा था, श्री श्री माँ योगिन माँ गोलक माँ तथा स्वामी शारदानंद के प्रति तुम्हारा सेवा कार्य अब समाप्त हो गया है। अब से तुम निरंतर ईश्वर के नाम गुण कीर्तन में निमग्न होकर रहो। काशी में उनका जीवन अत्यंत कष्टमय तथा चुनौतीपूर्ण था। उन्हें आध्यात्मिक जीवन यापन के लिए उपयुक्त कोई निवास स्थान भी उपलब्ध नहीं था। उन्हें कई बार निवास स्थान बदलने पड़ते थे। उनकी संसार के प्रति उदासीनता लोगों के लिए आलोचना का विषय बन गई, जिसके कारण न जाने कितने ही दुख कष्ट उन्हें सहने पड़े। परंतु अब उन्होंने स्वयं को संपूर्ण रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा में समर्पित कर दिया। उनके हृदयस्थ वैराग्य नल तो क्रमशः बढ़ता ही जा रहा था। अतः सरला ने अब निश्चय कर लिया कि अब से वे वाराणसी के सड़कों पर ही खुले आकाश के छत के नीचे घास को अपना बिस्तर बनाकर रहेंगी। परंतु गणेन महाराज व सतीश महाराज के प्रयास से अंततः एक मकान में उनके निवास की व्यवस्था हुई, जो आज सारदा कुटीर के नाम से जाना जाता है। सरला के लिए किसी भी परिस्थिति में जप ध्यान छोड़ना संभव नहीं था। उन दिनों स्थायी निवास न होने के कारण वे पूजा अर्चना करने में असमर्थ अवश्य थी, परंतु ऐसी अवस्था में भी वे घंटों तक ध्यान धारणा में लीन रहती। निर्दिष्ट संख्यक जप करने का संकल्प लेकर वे आसन पर बैठती थी और चाहे कितनी भी देर हो जप संख्या पूर्ण करके ही उठती थी। उन दिनों में प्रातः अति शीघ्र ही साधारण भोजन ग्रहण कर वे दशाश्वमेध घाट हरिश्चंद्र घाट या फिर मणिकर्णिका घाट पर तपस्या के लिए चली जाया करती थी। अब स्थायी निवास व्यवस्था होने के बाद भी उनकी साधना तथा तपस्या उसी उत्साह के साथ जारी रही। सन 1936 में सरला की आंखें कमजोर हो चली थी। इस कारण प्रतिदिन गंगा स्नान करना विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जाना उनके लिए संभव न था। इसी समय दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण जीवनोपयोगी चीजों के दामों में वृद्धि हो गई। दैनंदिन खर्च चलाना अब कठिन हो चला था, परंतु श्री श्री माँ की कृपा से ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी सरला संतोष व समाधान पूर्वक अपनी आध्यात्मिक साधना जारी रखने में सक्षम हुई। सन 1936 में भगवान श्री रामकृष्ण देव के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में सरला कलकत्ता आई थी तथा एक साल तक निवेदिता स्कूल में रही थी। बेलूर मठ में श्री रामकृष्ण देव के मंदिर का उद्घाटन समारोह संपन्न होने के पश्चात वे वाराणसी वापस चली गई। यह आगामी 12 वर्ष का समय भी इसी प्रकार कठोर तपस्या नियमित पूजा अर्चना तथा आत्म अनुशासन में व्यतीत हुआ, मानो श्री श्री माँ उन्हें अपने कार्य के लिए प्रस्तुत कर रही थी। इधर कलकत्ता तथा केरल की कुछ उत्साही युवतियाँ ईश्वर के नाम सर्वस्व त्याग करने के लिए प्रस्तुत थी। रामकृष्ण मिशन के महान सेवा कार्यों से वे प्रारंभ से ही जुड़ी हुई थी। बेलूर मठ के प्रवीण सन्यासी गणों ने सोचा कि इन उत्साही युवतियों को एक अनुभवी तथा परिपक्व मार्गदर्शिका की आवश्यकता है, जो श्री श्री माँ की सम्यक प्रतिनिधि के रूप में इन्हें सही दिशा दिखा सके तथा जिसका जीवन मठ के मूलभूत आदर्शों एवं तत्वों के अनुरूप गठित हुआ हो। भावी श्री शारदा मठ को अब एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो श्री श्री माँ की आध्यात्मिक गुरु परंपरा को बरकरार रखते हुए भक्तादि को दीक्षा प्रदान कर सके। उनके विचार से इस कार्य के लिए सरला देवी ही सबसे योग्य व्यक्ति थी। वे एक उच्च मान की त्यागी साधिका थी तथा स्वामी शारदानंद जी से उन्हें तांत्रिक मतानुसार संन्यास दीक्षा भी प्राप्त हुई थी। श्री श्री माँ के निकट रहकर उन्होंने अनेक वर्षों तक उनकी सेवा की थी। बचपन से ही वे रामकृष्ण भावांदोलन से परिचित रहने के कारण
आध्यात्मिकता के चरम शिखर पर आसीन अनेकों महान जनों जैसे कि स्वामी शारदानंद जी, भगिनी निवेदिता, सुधीरा दीदी, योगिन माँ, गोलाप माँ, इनके सानिध्य में आने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था। इन सबके अतिरिक्त सरला देवी का व्यक्तिगत जीवन भी कठोर तपस्या तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों से समुज्ज्वल था। सन 1954 के अप्रैल महीने में सरला देवी श्री श्री माँ के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य जयराम बाटी आई। स्वामी शंकरानंद जी तब वहीं थे। स्वामी शंकरानंद जी ने उन्हें बुलवाकर कहा, जब स्त्री मठ की स्थापना होगी तब तुम्हें वहाँ जाना होगा। सरला ने प्रत्युत्तर में कहा, मेरे लिए यह संभव नहीं है। शंकरानंद जी बोले, अगर यह कार्य मेरे द्वारा संभव हुआ है तो तुम्हारे द्वारा भी अवश्य होगा। श्री श्री माँ के निकट रहकर तुमने जो कुछ भी सीखा है वही प्रशिक्षण तुम्हें अब इन युवतियों को देना है। मैं आज कलकत्ता वापस जा रहा हूँ। सब कुछ निश्चित हो जाने के पश्चात तुमसे संपर्क करूँगा। उन दोनों का एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास तथा श्रद्धा युक्त प्रेम था। इसी कारण महाराज के कहने पर सरला अब वाराणसी के सुदीर्घ एकांतवास से विरत होकर कलकत्ता चली आई। जुलाई 1954 को सरला दीदी निवेदिता स्कूल आई। बेलूर मठ के ट्रस्टियों के साथ उनकी चर्चा हुई। 10 जुलाई को गंगा स्नान के उपरांत सरला दीदी उद्बोधन में श्री श्री माँ को प्रार्थना निवेदन करने गयी। तदुपरांत श्री रामकृष्ण देव तथा श्री श्री माँ शारदा देवी की छवि लेकर सरला दीदी कुछ ब्रह्मचारिणियों के साथ एंटाली स्थित निवास स्थान पर आई। 27 वर्षों तक वाराणसी में रहते हुए सरला ने इन्हीं छवियों की नित्य पूजा की थी। शंकरानंद जी महाराज बेलूर मठ से विशुद्धानंद जी, माधवानंद जी एवं अभयानंद जी को साथ लेकर एंटाली आश्रम पहुँचे। एक शुभ मुहूर्त में उन्होंने इन छवियों को मंदिर की वेदी पर स्थापित कर पुष्पांजलि अर्पण की। उन्होंने उन सभी ब्रह्मचारिणियों को अध्यात्म पूर्ण आंतरिक जीवन यापन करने की सलाह दी और सरला दीदी पर उनका भार सौंप दिया। पूजा, शास्त्राध्ययन, जप, ध्यान तथा दैनिक धार्मिक विधि, इस प्रकार उनकी दिनचर्या थी। इस प्रकार के जीवन यापन का एकमात्र हेतु था ठाकुर श्री रामकृष्ण देव एवं श्री माँ शारदा देवी के प्रति उनकी श्रद्धा दृढ़तर हो तथा उनके द्वारा प्रस्थापित आदर्शों के अनुसार वे अपना आध्यात्मिक जीवन गठन कर सके। इस प्रकार एंटाली आश्रम में प्रथम स्वतंत्र स्त्री सन्यासिनी मठ की नींव रखी गई। 2 दिसंबर 1954 के शुभ दिन श्री शारदा मठ की स्थापना हुई। बेलूर मठ के तत्कालीन अध्यक्ष स्वामी शंकरानंद जी के शुभ हस्ते मंदिर प्रतिष्ठा का यह कार्य संपन्न हुआ। स्वामी विवेकानंद जी का स्त्री मठ गठन का स्वप्न आज पूर्ण हुआ था। श्री शारदा मठ की स्थापना यह एक ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व घटना थी। विश्व में आज पहली बार स्त्रियां स्वतंत्र रूप से सन्यासिनी मठ की परिचालना के लिए प्रस्तुत थी। युगाचार्य कल्पिते तुम युग चक्र प्रवर्तने नारी मठ कर्णधार सुदक्षा संघनायिका एक जनवरी 1959 को श्री श्री माँ के जन्मोत्सव के दिन श्री भारती तथा 7 ब्रह्मचारिणियों को स्वामी शंकरानंद जी ने वैदिक विधि से विरजा होम संपन्न कर उन्हें सन्यास दीक्षा प्रदान की। श्री भारती का सन्यास नाम हुआ प्रव्राजिका भारती प्राणा। उसी वर्ष अगस्त महीने में बेलूर मठ के संचालक सन्यासी वृंद ने श्री शारदा मठ की सन्यासिनियों को विश्वस्त नियुक्त करते हुए उन पर मठ के संचालन का पूर्ण दायित्व सौंप दिया। नए ट्रस्टीगण ने अपनी एक कार्य समिति गठित कर स्वतंत्र रूप से मठ संचालन का कार्य आरंभ कर दिया। इसी वर्ष मठाध्यक्षा प्रव्राजिका भारती प्रणा माता जी ने महालया के उपरांत 8 ब्रह्मचारिणियों को सन्यास दीक्षा प्रदान की तथा 6 दिसंबर 1959 के दिन से
उन्होंने इच्छुक भक्त जनों को भी मंत्र दीक्षा देने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार पूजनीय माता जी के वाराणसी के एकांत तपस्या में जीवन की समाप्ति तथा आध्यात्मिक मार्गदर्शन के कार्य जीवन की शुरुआत हुई। उनकी दिनचर्या इतनी सुनियंत्रित थी एवं समय निष्ठा ऐसी थी कि कोई भी व्यक्ति उसके अनुसार अपनी घड़ी मिला ले सकता था। माता जी को किसी भी चीज में फिजूल खर्च करना पसंद न था। वे स्वयं मितव्ययी होने के कारण समझ बूझ कर व्यय करती तथा हर चीज को सफाई पूर्वक व व्यवस्थित ढंग से रखती। पूजनीय भारती प्रणा माता जी के मार्गदर्शन में शारदा मठ द्वारा नाना विध कल्याण कार्य प्रारंभ किए गए। इसी हेतु सन 1960 में रामकृष्ण शारदा मिशन एसोसिएशन की स्थापना हुई तथा इसी वर्ष रामकृष्ण शारदा मिशन विवेकानंद विद्या भवन का शिलान्यास भी हुआ। सन 1963 में मातृभवन व एंटाली आश्रम तथा बारुई पाड़ा में मिशन की शाखा तथा निवेदिता विद्यालय में विज्ञान और शिल्प विभाग खोले गए। जनवरी 1963 में स्वामी विवेकानंद का जन्म शताब्दी महोत्सव बड़े उत्साह के साथ शारदा मठ में मनाया गया। सन 1965 एवं 1968 में श्री शारदा मठ की और दो नवीन शाखाएं क्रमशः चेन्नई तथा त्रिशूर में स्थापित हुई। सन 1970 में दिल्ली मिशन केंद्र की स्थापना हुई। यही माता जी का शेष कार्य था। परम पूजनीय माता जी सन 1959 से सन 1970 तक के इस 11 वर्ष के काल में मठ के आध्यात्मिक कल्याण कार्य की परिधि निरंतर विस्तारित करती थी। इस समय उन्हें समग्र भारत भ्रमण व तीर्थ दर्शन का अवसर मिला। वे वर्ष में एक बार कलकत्ते में स्थित प्रत्येक शाखा केंद्रों में अवश्य जाती और दो एक दिन वहां पर रहती भी थी। परम पूज्य माता जी के हर कार्य एवं व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वे श्री रामकृष्ण शारदा देवी तथा स्वामी जी की उपस्थिति को प्रत्यक्ष अनुभव कर रही हों। एक सन्यासिनी ने इससे संबंधित एक घटना अपने स्मृति चारण में इस प्रकार कही है। सन 1956 या 57 में ठंड के दिनों में सुबह सुबह माता जी मंदिर में प्रणाम करने के लिए पहुंचकर मुख्य द्वार पर यकायक रुक गई और धीरे से मुझे बुलाकर बोली, तुमने यह क्या किया? आज इतनी ठंड है, अभी जाकर श्री ठाकुर जी को गले तक चादर पहना दो, वरना उन्हें ठंड लग जाएगी। परम पूजनीय माता जी की ठाकुर जी के लिए इस प्रकार चिंतित होने की यह बात ठाकुर जी की जीवंत उपस्थिति के विषय में मुझे और भी सजग कर गई। एक बार एक सन्यासिनी ने माँ से पूछा, श्री रामकृष्ण देव तथा श्री श्री माँ के समाधि के पश्चात क्या आपको कभी उनके दर्शन हुए थे? माता जी ने कहा, मैंने उन्हें देखा तो नहीं, पर ऐसा अनुभव करती हूँ जैसे कि वे मेरे हाथों को थामे हुए हैं। इस कारण मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। भक्तों के प्रति माता जी की असीम कृपा का निदर्शन हमें इस घटना से ज्ञात होता है। एक बार दक्षिण भारत के भ्रमण काल में एक भक्तिमती महिला ने माता जी के लिए खाद्य पदार्थ बनाकर लाए। पदार्थ कुछ सख्त होने के कारण चबाना जरा कठिन था। अगत्या माता जी के लिए कुछ और नाश्ता लाया गया, परंतु माता जी भक्त महिला की पहली दी हुई चीज खाने के लिए आग्रह करने लगी तथा काफी कष्ट से ही वे उसे खा सकी। उनसे पूछने पर वे बोली, भक्त इस आशा से खाद्य पदार्थ ले आते हैं कि मेरे इसे सेवन करने से वे कृतार्थ होंगे। इसी कारण उनके प्रेम भाव तथा परिश्रम के प्रति सम्मान दिखाते हुए माता जी ने कष्ट होने के बावजूद भी सख्त पदार्थ ग्रहण किए। 20 जुलाई 1972 को भारती प्रणा माता जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस सुअवसर पर रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष स्वामी वीरेश्वरानंद जी ने एक गेरुआ वस्त्र, शाल, एक बड़ी छतरी और एक सुंदर माला माता जी के लिए भिजवाई थी। परंतु अगले दिन माता जी अचानक अस्वस्थ हो गई। कई रोगों से ग्रस्त होने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। अगले 6 महीने तक
उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होता रहा और क्रमशः स्वास्थ्य में गिरावट होती रही। अंतिम बार जब माँ बीमार हुई उस समय भी वे सबके लिए चिंतित रहा करती। जो सन्यासिनी उनकी देखभाल के लिए रात में नियुक्त रहती उनसे वे कहती, जरा ओडोमॉस लगाया करो, मच्छर नहीं काटेंगे। अपनी सेविका से पूछती, तुमने खाना खाया कि नहीं, दोपहर में विश्राम किया या नहीं। इतनी अस्वस्थता में भी वे अपनी वेदना को भूलकर दूसरों की ही कल्याण चिंता करती थी। 25 जनवरी 1973 को स्वामी विवेकानंद की तिथि पूजा थी। माताजी बिस्तर पर लेटे हुए ही कार्यक्रम के बारे में पूछताछ कर रही थी। 28 जनवरी को उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्होंने दयाप्रणा माताजी को पंचांग से एकादशी की तारीख देखने के लिए कहा। दयाप्रणा माताजी ने बताया 30 जनवरी। 29 जनवरी से माताजी को ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया जाने लगा। शाम को उन्हें मस्तिष्क का दौरा पड़ गया और रक्तचाप भी धीरे धीरे कम होने लगा। रात के 2:30 बजे मठ के सदस्यगण उनके कक्ष में एकत्रित हुए। सभी ने रामकृष्ण नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। अचानक माताजी मंत्र जाप के बीच में ही ओम सच्चिदानंद ब्रह्म शिवोहम का मंत्र दोहराने लगी। वहां उपस्थित सभी सदस्य उनके साथ वह मंत्र दोहराने लगी। क्रमशः मंत्र का स्वर ऊंचा होता गया। इस कारण वहां एक गंभीर तथा सुखमय वातावरण बन गया। समग्र कक्ष पवित्रता से आप्लावित हो उठा। सारी रात ओम सच्चिदानंद ब्रह्म शिवोहम का मंत्र जाप निरंतर चलता रहा। 30 जनवरी एकादशी का दिन परम पूजनीय माता जी के जीवन का भी वह शेष दिवस था। उन्होंने ग्लूकोज ड्रिप लेने से मना कर दिया। सुबह से उन्होंने केवल गंगा जल और चरणामृत ही ग्रहण किया था। उनके कक्ष से निरंतर श्री रामकृष्ण का नाम सुनाई पड़ रहा था। भक्तगण कक्ष के बाहर शांत भाव से बैठे हुए थे। सुबह से ही माता जी ने अपनी दिनचर्या के अनुसार स्तोत्र पाठ तथा गीता के श्लोकों का पाठ करना आरंभ किया। वहां उपस्थित सन्यासिनी और ब्रह्मचारिणी गण उनके साथ पाठ करने लगी। इसी बीच अचानक माताजी निम्न स्वर में बोलने लगी, सबका मंगल हो, सबका अज्ञान दूर हो। इस तरह उन्होंने विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना की, सभी को आशीर्वाद दिया। उसके उपरांत माताजी पुनः अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ऐसा कहते हुए धीरे धीरे सच्चिदानंद ब्रह्म में लीन हो गई। जीवन के शेष मुहूर्त तक माँ सचेत थी। अपराह्न 2:50 पर श्री रामकृष्ण मंत्र का जप करते हुए उन्होंने अपना अंतिम निश्वास त्याग दिया। देहावसन के समय उनका मुखमंडल एक दैवी तेज से उद्भासित हो उठा। उनके पवित्र संपर्क में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रेम से आप्लावित कर तथा उसके जीवन को परमार्थ मार्ग में स्थापित कर आज पूजनीय माता जी अखंड सच्चिदानंद में विलीन हो गई। पूजनीय माता जी का जीवन पवित्रता, त्याग, तपस्या एवं सेवा के उज्जवल दृष्टांत के रूप में सदैव स्मरणीय व अनुकरणीय रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर एक भी स्त्री ब्रह्म ज्ञान का लाभ कर ब्रह्मविद हो जाए तो उससे हजारों नर नारी प्रेरणा लाभ करेंगे। हमें भी यह दृढ़ विश्वास है कि पूज्य माता जी का यह पवित्र दिव्य जीवन भविष्य में भी असंख्य नर नारियों को प्रेरणा देता रहेगा। शिवो हम 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 शिवो हम